कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मीन नाना नियोंगो का एक और ग्रामर का चैप्टर नंबर 48 की रेंशियो एक्सरसाइज के बारे में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रॉस चेक करेंगे कि आपने जो 48 की रेंशियो एक्सरसाइज है उसके आंसर जो है वो सही करे भी है या नहीं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 48 रेंशियो बी। तो इसका जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जो बनना था वो कुछ इस तरीके से था, जैसे कि फर्स्ट है वाताशिवा मुसुको ओ देंशानो नाका दे तता से माश्ता। ठीक है, सो लेट और मेक का यूज था इस वाले चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो है मुसुको मीन्स आपका एक मुसुको माने सन होता है बेटा, उसको जो है देंशा में उसे खड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेकंड बनना था, सेकंड का है काचोवा मीरा सान ओ निहोनी शुचो सासेमाश्ता। यानी कि जो सेक्शन मैनेजर था उसने मीरा सान को जापान की बिजनेस ट्रिप के लिए भेज दिया। ठीक है, थर्ड इसके अंदर बनना था आपका बोकुवा इमोतोनी नाकासेमाश्ता। तो बोकुवा मैंने जो है इमोतो यानी कि अपनी यंगर सिस्टर को जो है रुला दिया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ था चीचीवा सोबो ओ ब्योइनी न्यूइन सासेमाश्ता। यानी कि जो मेरे फादर हैं चीची, उन्होंने अपनी मेरी ग्रैंड मदर को जो है वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दिया। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से बनाया बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू का जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से बनना था, जैसे कि सेंसेवा गाक्सेनी ते पुओ की कासेमाश्ता। सो जो टीचर है उन्होंने स्टूडेंट को जो टेप रिकॉर्डर है वो सुनाया। ठीक है, या प्रेशराइज किया एक तरीके से, या फिर हम या ऑर्डर दिया, या फिर हम कह सकते हैं अलाउ किया। ठीक है, क्योंकि मेक और लेट के दो यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इट्स डिपेंड कि किस सिचुएशन में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा बूचोवा मीरा सानी फायर वो मोते कोसा से माश्ता। यानी कि जो बूचो था जो मैनेजर था उसने मीरा सान को फाइल लाने के लिए बोला। नेक्स्ट थर्ड है इसके बाद वाताशिवा मुसुको नी रियोरियो सुकुरा से माश्ता। यानी कि मैंने अपने बच्चे को जो है वो रियोरी बनाने दिया हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो है फोर्थ का बनना था हाहावा इमोतोनी हेया ओ सोजी सासे माश्ता। तो जो मेरी मदर है उन्होंने मेरी यंगर सिस्टर को जो है उससे रूम की जो है सफाई कराई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट बनना था इसके अंदर आसोवा इसोगाशी नो दे मुसुमे नी आशा गोहान नो जुम्बियो तेत्सु दावासे ते इमास। यानी कि सुबह थोड़ी जल्दी रहती है, थोड़ा बिजी होता है। ठीक है, तो इसलिए मुसुमे नी, तो यहाँ पर मुसुमे जो है यहाँ पर डॉटर के लिए यूज हुआ कि मुसुमे नी आशा गोहान नो जुम्बियो तेत्सु दावासे ते इमास। यानी कि मेरी डॉटर की जो सुबह के टाइम की प्रिपरेशन में उसकी हेल्प वो है करता है जो भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड आना था इसमें इनो खाते रुनो दे, चूंकि घर में कुत्ता पाल रखा है सो मुसुको नी इनू नो सेवाओ सासे ते इमास। तो जो सन है मेरा बेटा जो है वो उसकी टेक केयर करता है। इसके बाद आता है थर्ड आना था इस तरीके से कारादानी ई नो दे माइशू कोदोमोनी पूर ओ इकासे ते इमास। कारादा के लिए बॉडी के लिए काफी अच्छा है, तो इसलिए मैं हर वीक अपने बच्चे को जो है पूल के लिए भेजता हूँ। ठीक है, इसके बाद फोर्थ था कोनो कोएन वा उचिकारा चिकाई नो दे मुसुमोनी इत्सुमो कोको दे असोबा से ते इमास। यानी कि ये पार्क जो है मेरे घर से बिल्कुल पास है, इसलिए मैं अपने बच्चे को यहाँ पर खिलाता हूँ या खेलने के लिए भेजता हूँ कुछ तरीके से, क्या मैं उससे कहता हूँ कि यहाँ खेले। ठीक है, तो ये तो हो गए तीन क्वेश्चन इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फर्स्ट है ये भी देख लेते हैं एक बार। इसमें बोल रखा है रियोको नो स्केजूर निसुइते किकिताइन देसे गा, मतलब मुझे अपने ट्रैवल के बारे में, जो ट्रैवल का शेड्यूल था उसके बारे में जानना था, पूछना था। तो आंसर है जा सत्सुमे सासे मास। सो ओके वेल आई विल एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ पर मैंने सत्सुमे सासे मास ही लिखा है, आप इसका अगर क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन का जो एग्जांपल देखोगे उसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते थे, वैसे ही बना सकते थे। उसका एग्जांपल का आंसर है ना कि जा, तो शायद मैं भूल रहा हूँ उसे, कुछ ऐसा था मतलब चिकाकुनो खाता नहीं, कुछ इस तरीके कुछ करके था वहां पे मेंशन, तो आप वैसे भी बना सकते हो। मेन चीज ये है यहाँ पर कि आप जो आंसर दे रहे हो वो किस तरीके से दे रहे हो, आप शॉर्ट में दे रहे हो या लॉन्ग में दे रहे हो, दैट्स अप टू यू।
इसके बाद सेकंड था इसके अंदर आतराशी से ही नो खतरोग ओ कुत्ते तदा की ताइन दिसगा। तो न्यू प्रोडक्ट की जो कैटलॉग है वो मैं भेजना चाहता हूँ। तो उसने क्या आंसर दिया, जा आश्ता तो दो के सासे मास की, ठीक है कल तक आ जाएगी, अगर उसे अभी भेजते हैं तो कल तक वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड इसका था एयर कौन न चोशी का उखाशीन दिसगा। तो जो एयर कंडीशन है उसकी चोशी, उसकी कंडीशन थोड़ी अजीब हो रही है, स्ट्रेंज हो रही है। तो उसका आंसर क्या है, जा शिराबे शिराबे सासे मास, ठीक है मैं वेल आई विल चेक, चलिए मैं से चेक करता हूँ एक बार। इसके बाद फोर्थ है, फोर्थ का क्या है, तेरे भी ओ नावशीते मुराइता इन दिसगा, तेरे भी को टीली जो टीवी है यहाँ पे टेलीविजन है उसको मैं रिपेयर चाहता हूँ, नावशीता इन दिस ठीक कराना चाहता हूँ, तो रिपेयर कराना चाहता हूँ, तो जा सुगु शूरिनी इकासे मास, तो चलो ठीक है जल्दी से इसे शूरी जो यानी कि जो उसकी जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद फिफ्थ का जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से था, वाताशिवा मुसुकोनी स्कीना शिगोतो इराबासे मास, यानी कि मैंने अपने बेटे को जो उसका पसंदीदा काम था वो उसको चुनने में मदद की एक तरीके से, ठीक है, या वो उसे सिलेक्ट करवाया। सेकेंड है सेंसेवा खोदोमो थाचीनी जीवनी एयो खकासे मास, यानी कि जो टीचर थे टीचर हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से फ्रीली जैसी भी उन्हें आर्ट आती थी वो आर्ट लिखवाई या करवाई, पेंटिंग को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड इसके अंदर बनना था चीचीवा आनी नी यारिताई को तो यारा से मास था, यानी कि जो चीची यहाँ पर जो फादर थे उन्होंने आनी को जो वो चीज करना चाहता था वही चीज कराई। इसके बाद है आपका हाहावा इमोतोनी गाय को कुए रियुगाकु सासे मासेंदिश था, यानी कि जो मदर थी उन्होंने अपनी बेटी को अपनी डॉटर को जो है फॉरेन स्टडी के लिए नहीं भेजा या फॉरेन स्टडी नहीं कराई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो बनना था वो इस तरीके से था निमोत्सुओ ओरोशिताई दिस ओरोशिताई नो दे खोकोनी शिबाराकु कुरुमाओ तोमेसासे तेइतादा के मासेंगा, मुझे जो निमोत्सु है पार्सल वो वहां से उठाने उतार के रखने हैं, सपोज मान लो कहीं से उठा के रखने हैं, या तो उस केस में वो बोल रहा है कोकोनी शिबाराकु कुरुमाओ तोमेसासे तेइतादा के मासेंगा, एक तरीके से हेल्प फेवर मांगने के लिए, तो क्या आप यहाँ पर आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हो क्या, ठीक है। सेकेंड इसके बाद है किबुनगा वारुई नो दे खोखो दे चोतो यासुमासे तेइतादा के मासेंगा, तो थोड़ी कंडीशन खराब है क्या मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ का, एक तरीके से परमिशन अलाउ करने के लिए वो पूछ रहा है। थर्ड आना था इसमें नीवा का तोते मुकुरे नो दे शाशिनो इचिमाई तो रास्ते ते तदा के मसेंगा, तो बहुत अच्छा गार्डन है क्या यहाँ पर एक फोटो आप ले सकते हैं क्या, ठीक है। एंड फोर्थ इसके अंदर बनना था कुको कुको ए रियोशिन ओ मुखाइनी इकिताई नो दे, मुझे एयरपोर्ट अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है, तो योनजीनी खाए रास्ते ते तदा के मासेंगा, तो क्या आप जो है 4 बजे तक वापस आ सकते हैं क्या, रिटर्न हो सकते हैं क्या, शिची जी नी योन जी हम बोलेंगे इसे, योन जी नी खाए रास्ते ते तदा के मासेंगा, ठीक है। तो ये था इस तरीके से इसके आंसर्स थे, आई होप ये आपने चेक कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं मोंदाई की तरफ, मोंदाई में देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में कौन सा मारू है और कौन सा बात्सु। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो मारू है, बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करें तो सेकंड इसके अंदर बात्सु है, ठीक है। थर्ड की बात करें थर्ड इसके अंदर मारू है, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ भी इसके अंदर मारू है, एंड फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ भी इसके अंदर मारू ही है। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप स्माइलिंग टेक केयर एंड बाय बाय।